यार ये शोर क्या हो रहा है यार पीछे? हाँ हाँ महफ़ शहज़ाद, कितनी बार कहा है मुझे फोन ना किया करो, बंद करो। अभी मैंने मायरा का फोन काटा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, हाय सर, हुक्म आप। हाँ, दो पिज्जा ले आओ। मलाई लगानी है ऊपर? पिज्जे के ऊपर मलाई कौन लगाता है? सस्ता होटल है ना। सर आप है कौन? जी मैं हाँ। मैं हूँ डॉन। बोला कौन सा डॉन? कौन सा? ताश खेल रहा था, 2000 डॉन। इधर क्या करने आए हैं? असल में मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बल्कि डॉलर्स की कमी नहीं है। डॉलर की कमी नहीं है, डॉलर मेरे पास इतने हैं, अल्लाह मेरे तौबा, कि मैं इस मुल्क में डॉलर को नीचे गिराऊंगा। आप मुल्क का कर्जा उतार दें फिर। सर जी देखे कितने वजीरे खजाना आए हैं, किसी ने डॉलर को नीचे गिराया? आपका भाई गिराएगा। कैसे गिराएंगे? ये पकड़ो, ये देखो डॉलर है, ये मैंने गिरा। उठाऊंगा ही मैं। ये मेरे डॉलर है, मेरे अलावा किसी के हाथ नहीं आते। ये मुबारक वाले डॉलर तो नहीं है, ये शबरात मुबारक वाले हैं। ईदी तो दे दे फिर, ईदी दे दे, बहुत बड़े स्टार है। डॉलर्स में ईदी आपको पाकिस्तानी पैसों में मिलेगी। देखो अपनी आदतें खराब ना करो, वो पैसे खर्च करो जेडे तारे को खर्च होंगे। तो मैं यहाँ पर आया था, मुझे जरूरी काम था, मैं एक पार्टी बना रहा हूँ अपनी। क्या? सियासी पार्टी बना रहा हूँ। देखे हर किसी ने इस मुल्क में चांस लेके देख लिया, हर बंदे ने ट्राई कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी बनाऊँ। कौन है आपकी पार्टी में? क्या पार्टी है? देखो जो हम लोग रात को पार्टी करते ना, उसी पार्टी को हम इस मुल्क में लेकर। तो मेरा आने का मकसद यहाँ पर यह था अपना सार भाई, कि मैं कुछ तराने बनवाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। कुछ नारे बनवाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। मेरी पार्टी का नाम है तहरीक चलाक। इधर चलाकिया ना लाओ, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। कौन चार्ज करते हैं? साहिर भाई। यार मैं हूं अपना मोबाइल चार्ज कर गया, एक रुपया नहीं लगा। चार्जिंग की कोई बात नहीं है, मेरे पास अपना चार्जर है। तो सार भाई आपने मेरे लिए ना कुछ नारे बनाने हैं जी, कुछ कंपोजिशंस बनानी है जी, जिस तरह के आपने सबसे पहले शर्माना नहीं है। अच्छा। मजबूरी आ नहीं रही, मजबूरी आ गई है। अच्छा। मुझे क्यों बुलाया? ये कंपोज भी करना है? ये कंपोज करना है। कुछ तराने आपने अपनी मर्जी से बना के देने मुझे। अच्छा अच्छा। पैसे की कमी नहीं है, डॉलर मैं लगा दूंगा। बैग बहुत हल्का लग रहा है, इतनी बातें आप। इसको हल्का ना लें, इसको हल्का ना लें, इसमें 2 किलो के पानी के शापर भी डाले हुए मैंने। आपकी पार्टी में पहले कोई है लोग? हाँ कोई पहले हमारी पार्टी में जो लोग हैं, हमने जिनको अपना दाखिल करना है, इनके अंदर ये ऑलरेडी है। हाँ, अदनान सिद्दीकी है। अच्छा। और हुमायूं सईद है। खलील रहमान को भी डाल लें प्लीज। खलील रहमान को? हाँ उनको भी डाल लेते हैं, रुलाएंगे तो सही, आता आगे दबके मारने वाला भी कोई होगा। ना उन्होंने जान के नहीं पा रहे, उन्होंने अद्धे खजाने से सिगड़ी पी जाने ने। अदनान सिद्दीकी जब बाहर जाएंगे कर्जा लेने के लिए, कर्जा भी लेंगे और बदला भी लेंगे। उनका आपको पता ही है, जिसने दानिश को नहीं छोड़ा वो IMF को छोड़ेगा। और हमाइयों से तो हमने रखा इसलिए ताकि वो सैड सैड फिरता रहेगा, दूसरे मुल्क तरस खा के मैं कैसे देंगे। आप बताएं सारे एक्टर्स ही क्यों आपकी पार्टी में? मेरा दिल कर रहा था। ये बहुत बड़ी सिंगर है हुंजा की, हुंजा की बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी, बल्कि वाहिद अकेली पहली 60-70 साल की। नहीं नहीं बहुत बड़ी क्रिकेटर भी है, क्रिकेटर भी, क्रिकेट भी खेलती है। और बहुत बड़ी झूठी भी हो। अरे नहीं आप झूठ भी बोले, आपका झूठ भी सच ही कंसीडर होगा। ऐसा क्यों लेके? आप झूठ बोले, आप सच बोले, आप बोले आई लव यू। आपने बोला आप झूठी भी हैं, बोल दे। आपने बोला ना आप झूठी हैं, बोल दे। आई लव मी। ये सच है कि झूठ है? ये सच है। चलो मेरे लिए इतने काफी है। माशाल्लाह मैचिंग हो रही है, रेड रेड है की गल है, पर शेड्स डिफरेंट है, इतना भी मैचिंग नहीं। मेरा ओरिजिनल है। तुम्हारे कपड़े भी मिल गए ना, उन्हें को बनवा लो, चंगा लगेगा। नहीं यार मैं उन्हें को कपड़े बनवा लांगा, तुसी गाना बना। हुन तुसी वापस जा रहे हो बरतानिया?
नहीं बरतानिया नहीं, बरतानिया तो जाऊँगा मैं 4 दिन बाद, 2 दिन मेरा स्टे छद रहेगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं ईद का दूसरा दिन। इस दिन कितनी ईदी इकट्ठी हुई? अगर नहीं हुई तो मैं आपके अफसोस में हिस्सेदार हूं। अगर ईदी हुई तो ज्यादा खर्चा ना करो, कितने इन्वेस्ट करो, हालात तो पता ठीक नहीं जा रहे। लव यू। अरे जिस चीज पे लाफ्टर नहीं बनता उस पे भी लाफ्टर देते हैं दोस्त, ऐसे होने चाहिए। भाभी जब नाराज हो जाए तो कौन सा गाना सुनाकर उनको मनाते हैं? उनका कोई फेवरेट गाना है या आपका कोई फेवरेट गाना है जिससे आप भाभी को मनाते हैं? दुनिया पूछना चाहती है। नहीं ऐसा मजाक कोई नहीं है हमाम में गाने वाला, वो तो वैसे ही गाना। भाभी के साथ मजाक नहीं है, सीरियस गाने वाला नहीं है। अच्छा गाते हो। क्योंकि इसकी वजह है ना कि उनको पहले पता है ये गानों में एक्टिंग करते हैं तो ये आने चली गई है, फिर की तरले करते हो कर देगी यही समझ लो बस। कोई शेर शेर वेर भाभी के लिए कभी कभी हो ही नहीं सकता, सर डोई पेगी। तौबा 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 भाई, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ते ईद मुबारक जी। बहुत डस्ट है जी थोड़े पाकिस्तान च, इन्ने मेरे अखां च धूड़ों धूड़ हो गई, 15 मिनट मैं पैदल तुरया, मैं इदा लगे जिमें मैं आटा छड़ के आया कितने। लेकिन एक थोड़े पाकिस्तान की गल मैं बहुत वधिया लगी है जी, सिक्योरिटी वाले की एड्डी वड्डी अच्छी वर्दी, वाह 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 भाई। होस्ट टू होस्ट। अच्छा होस्ट की ना थोड़ा? मेरा नाम है मोमिन, थोड़ा मोमिन कहंदे ते सारे ही ने हुंदा, कोई कोई है ना दस। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਇਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ। ਕਨੇਡਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਬਾਜ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਥਾਂ ਵੀਰੇ। ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਫੋ 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 ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਕੀ ਪੀਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੁੱਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਪਾਉਣੀ, ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਪਾਉਣੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਪੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਆਈਡੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੈਰੀ ਔਨ ਬੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ।